अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, अभी हम निकल रहे हैं ग्लोबल विलेज की तरफ। तो हमारे साथ है शकील गोंदल साहब, तो अली नदीम साहब, और ये हमारे बेस्ट फ्रेंड बड़ी हमारे साकब साहब, साकब मकसूद, ही फ्रॉम शेखुपुरा, वन फेमस सिटी ऑफ द पाकिस्तान एंड पंजाब। तो ये अली भाई हैं, ये भी शेखुपुरा से हैं, और शकील गोंदल साहब जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से हैं और तहसील चीसिया से। तो मेरा तो आपको पता ही है, मैं पूरे पंजाब से हूँ। तो मल्टी सिटी जो है वो उसकी ओनरशिप है मेरे पास है। तो अभी हम मनामा रोड पे चल रहे हैं, यहाँ से हम शेख मोहम्मद बिन जायद का एग्जिट लेंगे और फिर हैदर रोड पे आ गए हैं। जैसा कि आपको ट्रैफिक सी लग रहा होगा, शेख मोहम्मद बिन जायद पे भाई संडे है, फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रियली भाई बताएं आप क्या कह रहे हैं आप? शकील साहब बहुत एक्साइटेड हैं आज, तो क्योंकि इन्होंने पहले ग्लोबल विलेज नहीं देखा। तो ये हमारे जो साकब साहब हैं ये सीरियस ही रहते हैं, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेते, तो ये सीरियस पर्सन है। तो शेख मोहम्मद बिन जायद की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 है और 20 का क्रेज है, जिनके 130 मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो हमारी जो गाड़ी है वो अभी 111 पे है। ये ग्लोबल विलेज के एग्जिट है, शारजा की तरफ से आ रहे हैं तो हमें ब्रिज क्रॉस, शेख मोहम्मद बिन जायद क्रॉस करना होगा। एग्जिट लेने के बाद हम जो है नॉर्मली तो यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा टाइम से आ गए हैं, तो अभी रश का टाइम जो है वो तकरीबन 6 बजे के बाद स्टार्ट होगा। तो ये अभी आपको पार्किंग नज़र आ रही है। यहाँ पे दो किस्म की पार्किंग है, एक जनरल पार्किंग है जहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक VIP पार्किंग है जिसको वैलेट पार्किंग कहते हैं। तो वैलेट पार्किंग जो है वो थोड़ा VIP लोगों के लिए है, उसकी अमाउंट चार्ज होती है। तो ये जो है जनरल पार्किंग है। और ये बहुत बड़ी पार्किंग है ग्लोबल विलेज की, इसमें तकरीबन 18,000 गाड़ी जो है वो पार्क हो सकती है। चलिए भाई जी, क्या करेंगे अब आप? जाके तो टिकट लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम टिकट लेंगे, और हो सकता है हम ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको थोड़ा चीप पड़ता है, 10% डिस्काउंट है। अगर आप ऑन द इन गेट लेंगे तो आपको वो फुल अमाउंट भी मिलेगा जो कि 22। तो यहाँ पे आपको ये वाले जो साइकिल भी मिल जाएंगे, इनके अगर कोई, अगर आप चल नहीं सकते तो इस पर बैठ के, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप इस पर बैठ सकते हैं। ये आपको थोड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। फाइव दिरहम ये चार्जेस लेते हैं जी, और ये फाइव दिरहम चार्ज करते हैं। 1 किलोमीटर की होती है सफ़र,
तो वहाँ पे आपको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेके जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत रश है, ये ऐसे पार्किंग है और ये फिल हो जाएगी, बहुत जल्दी फिल हो जाएगी क्योंकि अभी 5 बजे हैं और इसका जो रश स्टार्ट होता है वो तकरीबन 6 बजे के बाद होता है। ये जी मेन एंट्रेंस है ग्लोबल विलेज की और जैसे कि आपको नज़र आ रही है बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। तो जी अली भाई बोलें। जी जी नाज़रीन, फिलहाल फर्स्ट टाइम आए हैं ग्लोबल विलेज, तो एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। फैमिली के साथ आए हैं, अगर आप दुबई टूरिस्ट पे आए हैं टूरिस्ट वीज़े पे, तो ये जगह आपने मस्ट विज़िट करनी है। तो बाकी इसकी डेस्टिनेशन अगर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, अंदर जो जो भी चीज़ें हम देखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम गेट पे आ गए हैं, गेट पे आपने टिकट लेना होता है। तो टिकट का 2 तरीकाकार है, एक तो यह है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें, यानी कि ग्लोबल विलेज की वेबसाइट पर जाएँ तो आप टिकट बुक कर सकते हैं, वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और टिकट बुक कर लें। बेशक आप 2 करना चाहें 3 करना चाहें, जितनी भी आपके मेंबर हैं आप टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरा है कि गेट पे भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ये आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑन गेट करते हैं तो ये आपको जो है वो उस फुल अमाउंट पर मिलेगा। सिस्टम के टिकट हैं एक कुछ थर्सडे लेके संडे तक और बाकी जो है मंडे से लेके वेनसडे तक। तो मंडे से लेके वेनसडे तक जो है वो 25 दिरहम का, और जो सैटरडे से लेके संडे तक है वो 20 दिरहम का, और इस तरह उसकी चार्जिंग होती है। दिस इज़ द एंट्रेंस, ये दिखाइएगा। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पे ये टिकट चेक होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम टिकट चेक करवाते हैं और फिर हम इंटर होंगे। जी तो नाज़रीन, अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं दुबई ग्लोबल विलेज में। वो ये एंटर होते ही देखना कितना खूबसूरत व्यू है। एंटर होते ही राइट साइड पे आपको मिलता है जिपका कल्चर, लेफ्ट साइड पे मिलती है सुपर मार्केट, और फ्रंट पे देखें अमेजिंग प्लेसेस। और हमारे साथ मौजूद नासिर साहब हैं। जी नासिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपके व्यूज़ हैं ग्लोबल विलेज के बारे में? ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, साथ ही किला मसा भी है। जी जी, खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, मल्टी कल्चर मिलेगा। मल्टी कल्चर हैं, क्या बात की करते हैं, क्या बात, टू मच फन। जी तो अभी हम बात करके, एक्चुअली जो ग्लोबल विलेज है इसमें तकरीबन 90 नेशनलिटी के जो पवेलियन हैं और यहाँ पे मोर देन 200 जो नेशनलिटी के लोग विज़िट करते हैं हर साल। तो पिछले साल में तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोगों ने ग्लोबल विलेज जो है ना वो विज़िट किया है। ओके, तो ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। अब हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन के पवेलियन में क्या क्या चीज़ें, कोशिश करेंगे सारे पवेलियन इन्हें विज़िट करें। इसके अंदर आप शॉपिंग कर सकते हैं, कल्चर की चीज़ें हैं और बहुत सारे जो जो भी किसी कंट्री की जो कल्चर रेलेवेंट, शॉपिंग रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको हर पवेलियन में मिलेंगी। तो अभी हम जब जाएँगे तो फिर एक एक करके आपको दिखाएँगे। ठीक हो गया, किस कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग अपने पाकिस्तान के पवेलियन में जाएंगे और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के पवेलियन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के पवेलियन में एंटर होते ही देखते हैं कौन सा कल्चर आपको मिलता है। ये है जी पाकिस्तान पवेलियन इन ग्लोबल विलेज। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं जी यहाँ पे है कि क्या फन। पाकिस्तान पवेलियन में हम लोग हो रहे हैं एंटर। एंटर होते ही आपको पाकिस्तानी फीलिंग का टच मिलता है। सबसे पहले ये वॉयलेट्स देख सकते हैं शॉप, एक्सेसरीज के बाद जैकेट्स, ओपन टेक्सटाइल, उमर टेक्सटाइल, गारमेंट्स के रिलेटेड सारा मटेरियल। सलाम अलैकुम। और ज़्यादातर आजकल दिसंबर चल रहा है इसलिए सर्दियों के आउटफिट यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी शकील साहब ने कोई जैकेट पसंद करनी है तो शकील साहब दिखाएंगे। जी शकील साहब चलें। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कौन सी जैकेट पसंद आती है शकील अहमद गोंदल को। इस बंदे के लिए जैकेट दिखाओ यार।
चलो जी स्कीम साहब देखो साइज पहले देखें अपना। साइज पहले पसंद करें स्किन सब पहन के, वैरायटी आपको बहुत दिखाएंगे। चक्री पहने ना, ये कोट उतारे, जैकेट पहन के दिखाएं, कोट दे दे मुझे, जैकेट पहने आप। स्किल सब जैकेट पहन रहे हैं जी। बिल्कुल फिट है इनका साइज ही है, ना छोटी ना बड़ी, बिल्कुल बराबर इनका साइज। उधर दिखाएं नासिर साहब को, बेहतरीन साइज भी फिट है शकील साहब। लेदर चलेगा नहीं, इतना मर्जी हीट करें, ओरिजिनल लेदर का प्रूफ है। स्किल्स अब परेशान हो गए हैं, जली भी नहीं है। पाकिस्तान का जो लेदर है बड़ा फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, तो यहाँ पर भी जो पाकिस्तान पवेलियन है उसके अंदर जो है पाकिस्तानी लेदर जो है ना उसकी बहुत सारी शॉप्स हैं। क्या बात है। और इंटरनेशनल भी लोग परचेज करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम इधर से चेक करें। शकील साहब क्या बात है आपकी, तो शकील साहब बिल्कुल मम्मी डैडी बन गए, मुंडे छुंडे लग रहे हैं। इसको तो शॉपिंग हुई ना, कोई ले ही ना। शकील साहब ने जैकेट ले लिया जी, तो भाई ने पसंद करवा ही दी है, अभी हम पेमेंट करेंगे। और क्लास ट्रेन के अंदर पेपर ही नहीं है यार। तो जी शकील साहब ने कर दी है पेमेंट और जैकेट होगी शकील साहब की। ठीक है शकील साहब जी। तो गाइस, तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये जैकेट परचेज किया शकील साहब ने। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।